गाजियाबाद में बदमाश बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम देकर फरार हो जाया करते हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। जांच के नाम पर आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दे पाते हैं। ऐसा ही मामला गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना इलाके के सिकरोड गांव का है, जहां पर दंपति कमरे में अंदर सो रहे थे। इसी बीच अज्ञात बदमाशों द्वारा घर का कुंडा लगाकर घर में बेखौफ होकर जेवर नकदी सहित काफी सामान लेकर फरार हो गए, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख रुपए से ऊपर बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कर इतिश्री कर ली। अभी से लगभग 6-6.5 महीने पहले थाना लोनी के कस्बा चौकी है, उस पर एक जो आवंटित सरकारी वाहन था वो कुछ चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया था। कल इस पूरे जनपद में एक चेकिंग अभियान चलाया गया था, उसके क्रम में 2 चोर को पकड़ा गया, जिसके पास से एक चोरी का वाहन मिला। जब वो तस्दीक कराया गया तो वो वाहन वही सरकारी वाहन था जो कि चोरी किया गया था। पहचान छुपाने के लिए इन्होंने उस वाहन को पूरा पेंट कर दिया था, सीट कवर इत्यादि सभी बदल दिए थे ताकि कोई भी इसको पकड़ ना पाए। नंबर प्लेट भी अलग लगा के ये घूम रहे थे। इनसे और पूछताछ जब की गई तो इनके पास से 4 अन्य और चोरी के वाहन जो कि थाना कवीनगर और सिहानी गेट के चोरी के थे वो बरामद हुए हैं। इनका एक और साथी है जो कि इनसे मोटरसाइकिल्स की डिमांड करता है और ये उसकी डिमांड पे उसको सप्लाई करते हैं चोरी करके, वो अभी फरार चल रहा है। उसे भी गिरफ्तार करने के लिए टीमें लगा दी गई हैं। जो इनका प्रोफाइल है, एक इसमें से एक कॉल सेंटर के लिए ड्राइवर का काम करता है और इसका ये कहना था कि जब वो ड्राइवरी नहीं करता है तब वो घटनाओं को अंजाम देने के लिए निकलता है। चौकी के अंदर से वाहन चुराना, इसके लिए काफ़ी बड़ा कलेजा चाहिए। क्या इन्हें पता था कि ये सरकारी वाहन है? चौकी के अंदर से चोरी नहीं हुआ था, वहीं पास में चौकी के पास एक मार्केट है, वहां के पास से ये गाड़ी चोरी हुई थी। इनका ये कहना है कि जब इन्होंने इस घटना को किया था तो ये नशे के हालत में थे और जब इन्हें होश आया, जब इनको ये एहसास हुआ कि ये सरकारी वाहन है, तो तुरंत इन्होंने इसको डिस्पोज किया, किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया। जो गाड़ियाँ हैं कहाँ से चोरी करते थे और किस तरीके से इनका टारगेट जो हो अगर था कहाँ गाड़ी सेल करते हैं? देखिए, ये रैंडमली चोरी करते हैं ऐसा नहीं है, जैसा मैंने बताया, क्योंकि ये इनमें से एक कॉल सेंटर के लिए चालक का काम करता है तो विभिन्न जगहों पर ये गाड़ी लेके जाता है, तो वहाँ पे उसी के दौरान ये रेकी कर लेता और फिर अपने टीम को जोड़ के वहाँ पे घटनाएं। लेपर्ड को इसने किस तरीके से मॉडिफाई किया? इस पे सबसे पहले तो इसने स्प्रे पेंट करके इसका कलर बदल दिया, सीट कवर बदल दिया, जो अन्य उपकरण जैसे लाइट वगैरह लगे रहते हैं वो सब इसने हटा दिया था और नंबर प्लेट इसने बदल दिया था।